तो कौन हुआ है नॉमिनेट और किसका होगा इविक्शन, कौन हो रहा है घर से बाहर? राम राम दोस्तों, खमागणी। सबसे पहले तो दोस्तों, बिग बॉस का जो नॉमिनेशन की लिस्ट है और कौन कौन नॉमिनेट कंटेस्टर हुए उनकी लिस्ट बता देता हूँ। भाई आपको पता होगा कि बड़ी पावर दी गई है विवेन डिसेना को, सीधे 8 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। जी हाँ, बलि सड़ाने वाला ऐसा कुछ टास्क लगाया गया जो मैंने पहले मेरे वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ। अब भाई बात करें तो सबसे पहले नाम आ रहा है रजत दलाल का। रजत दलाल इस वीक के लिए नॉमिनेट है। इसके साथ ही नाम आ रहा है करणवीर मेहरा का। आपको बता दूं, बुल्ली गैंग में से एक भी नॉमिनेट इंसान नहीं है। एलिस, ईसा हो गए, इसके साथ विवेन हो गए, अविनाश, चारों ही सेफ हैं। इसके बाद दिग्विजय राठी, करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा विवेन डिसेना मानते दोस्त हैं, लेकिन दुश्मनी इनकी बाहर से ही मुझे लगती है। जिस तरीके से इनकी बातें हैं, 2-3 दिन इनका रिश्ता सही रखा और उसके बाद भाई इन दोनों के बीच में बम फूटने स्टार्ट हो गए। दिग्विजय राठी ने आते ही लग लिया था भाई विवेन डिसेना से पंगा, और विवेन की बोलती भी बंद कर ली थी। पहली बार मुझे कोई बंदा लगा जो भाई बात करे तो बातों ही बातों में विवेन डिसेना की बजा दी। जिस तरीके से वो शांत तरीके से बात कर रहा था यार, दिग्विजय दिल जीत लिया था भाई। और अगला नाम रजत दलाल है। रजत दलाल और भाई विवेन, इनके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है और झगड़े भी हो रखे हैं, तो रजत दलाल को किया है। अगला नाम साहद पांडे। भाई साहद पांडे से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि साहद पांडे अनहाइजीनिक है, गंदी है, सब कुछ है। भले ही विवेन डिसेना के टटिया भली फंसी रह जाए, लेकिन साहद पांडे गंदी है। बिना फालतू के साहद पर इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि विवेन को यदि किसी से फुटेज मिलती है वो तो मिलती है साहद से या फिर मिलती हैं रजत से, इन दोनों से फुटेज मिलती है। अब थोड़ी बहुत दिग्विजय भी आ गया है, तो दिग्विजय से भी रजत विवेन को फुटेज मिल जाएगी। इन तीनों के सामने विवेन लड़ नहीं सकता। जब इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है तो सबसे पहले भागता भी विवेन डिसेना है, जो बिग बॉस का लाडला है, जिसे कई सारे लोग और ट्रोलर विमल पान मसाला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक नाम भाई काफ़ी शॉकिंग नाम है, चुम दरांग। चुम दरांग भी नॉमिनेट है। इसके साथ ही श्रुतिका अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, मुँह बोली विवेन डिसेना की बहन श्रुतिका को बात करें तो पहले तो विवेन डिसेना ने दिया है धोखा। देख लीजिए, जो बात करें तो रजत और ईसा को कह रहे हैं कि ये भाई बहन है, ये इन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। भाई विवेन डिसेना खुद क्या करे, ये लाडले पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। रजत दलाल ने बहन को बोल दिया तो भाई गलत हो गया, और कोई ऐसा गलत बात नहीं बोली थी, जो रियलिटी है वो रियलिटी दिखाई थी, ऐसी कोई बैक पिचिंग नहीं करती थी। और ईसा वाली बैक पिचिंग है वगैरह तो दिखाए तो भाई बात करें तो उनकी कोई सीमा नहीं है। रजत दलाल को इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई ईसा और एलिस और अविनाश और विवेन के द्वारा, लेकिन वो बातें ये नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई इनको उनको बनाना है फेवरेट और लोगों के सामने उन्हें बात करते इमेज सही करवानी है और उन्हें पॉजिटिव दिखाना। लेकिन लोग पॉजिटिव नेगेटिविटी में समझते हैं, जिनके बात करें तो दिमाग जहन में नेगेटिविटी ही घुसी हो तो भाई बात करें तो कैसे पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद सारा खान, सारा आफरीन खान के साथ सुबह सुबह उन्होंने कॉफ़ी फेंक दी थी कसरा पात्र में, क्योंकि सारा आफरीन तो उनके रडार पर भी थी, क्योंकि अविनाश ने फल खा दिए थे बिना अनुमति के, लेकिन विवेन ने कोई सज़ा दी नहीं थी, क्योंकि वो उनका लाडला है। बिग बॉस का लाडला विवेन है और विवेन का लाडला अविनाश है। तो भाई सारा आफरीन ने कहा मैं भी कॉफ़ी फेंक देता हूँ, भाई मुझे क्या सज़ा मिलने वाली है। अविनाश को कहा रहा, विवेन ने कहा मैंने इसका ब्रेकफास्ट बंद कर दिया था, लेकिन फल फ्रूट सब दिए थे। भाई ये कैसा भाई ब्रेकफास्ट बंद किया था, पता नहीं विवेन डिसेना किस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रही, एकदम जोकर की तरह। इसके अलावा बागा भी हैं। जी हाँ, राजेंद्र पाल सिंह बागा नॉमिनेट हैं। ऐसी दोस्तों लिस्ट आ रही है, ये कुछ लाग है लोग हैं जो दोस्तों नॉमिनेट बात करते तो हुए हैं। और जो चुगली गैंग है, चुगली गैंग हम अकेले नहीं बोलते दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भाई अकेले चुगली गैंग, चुगली गैंग सबको तो पसंद आ रहे। मैंने ट्विटर हो गया सब जगह ऑर्गेनिक पीआर के अलावा जो भी कमेंट थे ना, वो सारे इनको गालियाँ ही देते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई बात करें तो जैसे लोग दिखेंगे उनको वैसे ही बोलेंगे। मुझे अविनाश के अंदर काफ़ी बात करें तो दिखता है वो विलन बन सकता है घर का, लेकिन विवेन जिस तरीके से उसको हैंडल करा जो कि बिल्कुल भी गलत है, अविनाश को खुला छोड़ना चाहिए, ताकि भाई बिग बॉस वालों को भी TRP मिले और हमें भी कॉन्टेंट मिले। भाई कॉन्टेंट के बिना भाई बिग बॉस देखने और बात करें तो रिएक्शन देने में मज़ा ही क्या आएगा। जी हाँ, तो ये थे भाई, एक तो दिग्विजय राठी है, करणवीर मेहरा हैं, रजत दलाल हैं, साहद पांडे हैं, चुम दरांग हैं, श्रुतिका अर्जुन हैं, सारा अफरीन खान हैं, बागा हैं।
ये कुछ नाम आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते भाई पूरे कन्फर्म नाम है, जिस तरीके से प्रोमो देखा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हवा दिख रही है और बिग बॉस की लाइव फीड में हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उनके हाव भाव बदले हैं सारा की, तो उसके हिसाब से भाई ये नॉमिनेट है। और इसमें आफरीन भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आफरीन इस वीक के लिए नॉमिनेट में नहीं है, और सारा आफरीन नॉमिनेट, क्योंकि इस तरीके की हरकतें वो कर रही है। कभी विवेन बात करें तो अविनाश के बेड पर सो रही है, तो इस तरीके की हरकतें वो इसलिए कर रही है ताकि दोस्तों उसे फुटेज मिले, क्योंकि सारा का कोई रोल रहा नहीं है। आफरीन ने शुरुआत में काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन बिग बॉस ने उसे इस तरीके से जलील किया, बदनाम किया कि आप ऐसे हो ऐसे हो, आप माइंड कोर्स हो ही नहीं, आपको बात को इलाज की ज़रूरत है। भले भाई आफरीन माइंड कोर्स हो या नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से उसको जलील किया था, उसकी बोलती बंद कर लिया और उसका कॉन्टेंट को जीरो कर लिया गया है। जी हाँ, ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई रजत दलाल को जिस तरीके से रवि किशन ने कहा था कि भाई आप ऐसे दिख रहे हो, लेकिन रजत दलाल काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे, अभय अग्रसेन को बंद कर रहे थे, लेकिन इनको सही है टीआरपी। तो रजत दलाल ने भाई जिस तरीके से आज का एपिसोड में शायरिया बोली है भाई, दिल दीवाना हो गया रजत दलाल का भाई। किस तरीके से रजत दलाल ने विवेन और अविनाश की बजा दी है, और दिग्विजय ने जिस तरीके से बजाई है विवेन की, यार काबिले तारीफ है। यदि दिग्विजय और रजत दलाल को यदि बिग बॉस कंट्रोल नहीं करते हैं और बात करें तो कोई घटिया गेम नहीं खेलते हैं, तो कशिश हो गए दिग्विजय हो गए और शाहत हो गए रजत दलाल। काफ़ी स्ट्रांग दोस्तों इनके कमेंट होते हैं, स्ट्रांग इनके ओपिनियन होते हैं, और किसी से लड़ने से डरते नहीं हैं, तो हो सकता है भाई काफ़ी आगे जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।